हेलो एवरीवन, दिस इज हरिंदर साहू फ्रॉम किंग रिसर्च। आप सभी लोगों का स्वागत है किंग रिसर्च फैमिली में। ये एक वीडियो बनाने का पर्पस है मेरा, उल्टा पुल्टा स्ट्रैटेजी को लेके। अब जैसे कि मैंने आप लोगों को उल्टा पुल्टा स्ट्रैटेजी ऑलरेडी मेंशन करी हुई है, यूट्यूब में डाला हुआ है, और बहुत सारे लोगों के स्टिल डाउट्स है। कुछ न्यू कमर्स भी जुड़े हैं हमारे साथ रिसेंटली, कुछ ट्विटर्स में 1000 लोगों ने फॉलो किया विद इन अ मंथ के अंदर। तो मैं उनके लिए भी ये एक वीडियो बनाना चाहता हूँ, क्योंकि जो पुराना वीडियो था हमारा काफ़ी 1-1.5 घंटे का बन गया था। तो ये एक शॉर्ट 10 से 15 मिनट का वीडियो बनाएंगे, जिससे आप लोगों को समझ में आ सके उल्टा पुल्टा स्ट्रैटेजी एक्चुअली है क्या, राइट? सो दिस इज द पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन। एक उल्टा पुल्टा मैं बोलूँ, वॉरेन बफे जी का रूल मेरे फेवरेट है, आप सभी लोगों के फेवरेट है, इस मार्केट में जो लोग भी ट्रेड करते हैं उन सब के फेवरेट है। लेकिन फेवरेट तो है, क्या आप लोग अप्लाई करते हो उनके रूल्स को? क्या आप लोग फॉलो करते हो उनके रूल्स को? दिस इज अ बिग 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 क्वेश्चन मार्क। सो मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा। वॉरेन बफे जी ने एक चीज बोली थी, जब मार्केट तेजी में हो तो आप सेल करने का सोचो, पोजीशन में से एग्जिट होने का सोचो। जब मार्केट में मंदी हो आप अपना पोर्टफोलियो, आप अपना गोडाउन भरने का सोचो, माल खरीदने का सोचो। तो उसी कॉन्सेप्ट को मैं अपनी सारी स्ट्रैटेजी, जो भी मेरे पास A to Z, जो भी वॉट एवर आई हैव स्ट्रैटेजी इन माय ओन वॉलेट, वो सारी स्ट्रैटेजी मैं उन वॉरेन बफे जी का जो एक रूल है, थंब रूल है, आप यूट्यूब में जाएंगे देखिएगा, वहां पे मैंने वॉरेन बफे जी का एक रूल बना रखा है फियर एंड ग्रीड के ऊपर। तो मैं सारी स्ट्रैटेजी उसी बेस के ऊपर काम करता हूँ। तो उसमें उन्होंने बोला है, चढ़ते हुए स्टॉक को ठोको, गिरते हुए स्टॉक को गले से लगाओ, यानी कि उसको बाय करने का सोचो। तो यही सेम लॉजिक मैंने अपने उल्टा पुल्टा स्ट्रैटेजी में आप लोगों को देने की कोशिश करी है, और इतना पावरफुल है, आप लोगों का इतना प्यार मिल रहा है, लोग आप पैसे बना रहे हैं ट्विटर में मेरे साथ, स्क्रीनशॉट अपना पैसों का शेयर कर रहे हैं, आप सब लोग लाइव देख सकते हो, यूट्यूब में भी आप देखिए, वहां पे जाके कमेंट आप देख सकते हैं, टेलीग्राम जो फ्री ऑफ कॉस्ट मैं जहां पे फ्री टिप्स देता हूं। अगर आप लोग ज्वाइन नहीं किए हो मेरा टेलीग्राम, तो प्लीज गाइज अभी के अभी इमीडिएट बेसिस पे मेरा टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहां पे मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको टिप्स देता हूं, उसका 1 रुपए भी चार्ज नहीं करता हूं, आपको लेवल्स बताता हूं, जिससे कि आपको किसी भी टिप्स प्रोवाइडर के पास जाने की जरूरत ना पड़े, किसी को फ्री टिप्स के पैसे देने की जरूरत ना पड़े। मेरा एक ही रूल है सर, लर्न एंड देन अर्न, सिर्फ एक मोटो, लर्न एंड देन अर्न। अपने आप को इतना सक्षम बना लो, किसी के पास जाने की जरूरत ना पड़े, पैसा खुद बन के चले आए। सो अब मैं बात करूंगा कुछ फीचर्स अपने उल्टा पुल्टा स्ट्रैटेजी के। मैं अब बात करना चाहूंगा कुछ फीचर्स अपने उल्टा पुल्टा स्ट्रैटेजी की। इस उल्टा पुल्टा स्ट्रैटेजी में सपोज करो आज XYZ 5% के ऊपर मूव करके बैठा है, कोई भी स्टॉक जो भी आपका फेवरेट हो 5% से ऊपर की मूवमेंट देके बैठा है, अगले दिन वो स्टॉक मेरे रडार पे आता है, यानी कि पावर ऑफ स्टॉक सिलेक्शन, पावर ऑफ किंग रिसर्च स्टॉक सिलेक्शन जिसको मैं बोलता हूं, और बार बार मैं आपके सामने चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के एक ही चीज होने की कोशिश करता हूं, 10 जगह 10 स्ट्रैटेजी पढ़ने से अच्छा है एक स्ट्रैटेजी को 10 बार पढ़ लो। ब्रूसली जी बोलते थे, आपको याद होगा, मैं रिपीट नहीं करना चाहूंगा, एक स्ट्रैटेजी को 10 बार 15 बार 20 बार 100 बार रिपीटेशन में डेली बेसिस पे फॉलो कर लो गाइस, इतना पावरफुल है उल्टा पुल्टा, यू कांट इमेजिन। टुडे आई एम गोना टू शो यू द लाइव परफॉर्मेंस ऑफ माय उल्टा पुल्टा स्ट्रैटेजी नवंबर मंथ का, यू विल बी अमेज्ड गाइस। गेस करिए प्लीज, इमीडिएट बेसिस पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालिए कितने परसेंट का रिटर्न आया है मंथ एंड में, फर्स्ट ऑफ नवंबर से लेके आपका 29th ऑफ नवंबर का आप परफॉर्मेंस कैलकुलेट करेंगे, प्लीज मुझे अभी इमीडिएट बताइए कितने परसेंट का रिटर्न आया है उल्टा पुल्टा स्ट्रैटेजी में हमारे। गाइस यू विल बी अमेज, 10% 20% 30% 40%, आई एम सो सॉरी, प्लीज नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दीजिएगा, उसका मैं नेक्स्ट वीडियो जो बनाने वाला हूँ आपको सिस्टम के पास लेके जाने वाला हूँ, सिस्टम में आपको दिखाऊंगा क्या रहा उसका परफॉर्मेंस, राइट? तो इसकी जो फीचर्स था, 5% की मिनिमम मूव, या तो अपसाइड या डाउनसाइड, जो भी जिस तरफ भी मूवमेंट होगा वो स्टॉक मेरे
रडार पे आ जाएगा, वो स्टॉक मेरे ईगल आई किंग रिसर्च के रडार पे रहेगा और उस स्टॉक को अगले दिन हमें ट्रेड करना है और पैसा बनाना है। क्या है स्ट्रैटेजी, उसको जानने के लिए मैं आपको ले चलूंगा सिस्टम पे। तब तक के लिए अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, इमीडिएट बेसिस पे सब्सक्राइब कर लीजिए गाइस, क्योंकि सून आई एम गोना टू टीच यू सो मेनी स्ट्रैटेजीज फ्री ऑफ कॉस्ट। देयर इज नो चार्ज, आई एम नॉट गोना टू टेक एनी सिंगल चार्ज, क्योंकि आप खुद कमाओगे, दो लोगों को शेयर करोगे, तीन लोगों को और शेयर करोगे, वो लोग और शेयर करेंगे सर, आप पैसा कमाओगे, बस दुआ में याद रखना और कुछ नहीं चाहिए दोस्त। ठीक है, थैंक यू सो मच। चलिए उल्टा पुल्टा स्ट्रैटेजी देख लेते हैं। जब तक आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे कि जो भी मेरा अपकमिंग वीडियो आएगा या जो भी मैं लेवल्स देता हूँ आपको डायरेक्ट नोटिफिकेशन आ सके, आपको हेल्प हो सके इमीडिएट बेसिस पे। चलिए थैंक यू। हेलो एवरीवन, सो फाइनली आ जाते हैं हमारी स्ट्रैटेजी के ऊपर। और जैसे कि मैंने आपको बताया, उल्टा पुल्टा स्ट्रैटेजी बहुत पावरफुल स्ट्रैटेजी और उसका एक्यूरेसी लेवल आपके सामने अभी दिखाने वाला हूँ लाइव, राइट। कुछ हम एग्जांपल्स भी लेंगे इस उल्टा पुल्टा स्ट्रैटेजी ओनली फॉर प्योर इंट्राडे। दिस इज प्योर इंट्राडे गाइस, मतलब आज ही करो, एक दिन पहले आपको स्टॉक सिलेक्शन मिल जाएगा, उन स्टॉक सिलेक्शन को अपने लिस्ट पर रडार पर रख लो, अगले दिन जैसे ही वो कंडीशंस जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो फुलफिल होगी, आपको ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस आएगा, 2-3-4 रुपए का स्टॉप लॉस आएगा, टारगेट 10-15-20-25-30-40 रुपए तक का टारगेट है। यकीन नहीं हो रहा है, चलिए हम देख लेते हैं। टिल देन अगेन, जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए तुरंत, क्योंकि बहुत जल्दी मैं और 3-4 पावरफुल ट्रेडिंग सेटअप देने वाला हूँ प्योर इंट्राडे का, जिसमें यू विल बी अमेज गाइस, राइट। मेरा एक ही इंटेंशन है गाइस, सीखो फिर पैसा कमाने की कोशिश करो। स्टॉक मार्केट में कोई सट्टा नहीं है, स्टॉक मार्केट में कोई शॉर्टकट नहीं है, सीखना ही पड़ेगा। आज नहीं तो कल सीखना पड़ेगा, कल नहीं तो परसों सीखना पड़ेगा। सीख के ही आप पैसा बना सकते हो, किसी से टिप्स लेके, किसी के एडवाइस लेके आप पैसा नहीं बना सकते। रिजल्ट अभी तक आप ले रहे हो और आपको पता है, राइट। चलिए कम टू द टॉपिक, उल्टा पुल्टा स्ट्रैटेजी फॉर इंट्राडे लवर्स, जो प्योर इंट्राडे गेम है। और इस स्ट्रैटेजी की खासियत यह है, ये मोमेंटम स्टॉक्स को हम पकड़ते हैं। इस स्ट्रैटेजी के थ्रू आपको पता चलता है कि हम मोमेंटम स्टॉक पकड़ रहे हैं, यानी कि किस स्टॉक में बड़े प्लेयर्स बैठे हैं, बिग शार्क बिग बॉयज जो बैठे हुए हैं, वो कौन कौन से स्टॉक्स में बैठे हैं, वो एक दिन पहले स्टॉक खुद चल के हमारे पास आता है। फॉर एग्जाम्पल आप ये खुद देखिए सर, इसमें एक कंडीशन है, कौन से स्टॉक को हमें सेलेक्ट करना है उल्टा पुल्टा, दैट इज द मेन कंडीशन। वो कंडीशन नंबर वन, मिनिमम जो भी कैंडल है, मतलब सपोज करो मैं आज कोई कैंडल ढूंढ रहा हूँ, आज कोई स्टॉक सिलेक्शन कर रहा हूँ कल के लिए, मंडे के लिए ट्रेड कर रहा हूँ, टुडे इज फ्राइडे, तो मैं मंडे के लिए कर रहा हूँ, तो आज जब मार्केट क्लोज हो जाएगा, क्लोज होने के बाद मुझे ढूंढना है मिनिमम 5% से ऊपर के मूवमेंट स्टॉक्स को, जिसमें 5% से ज्यादा की मूवमेंट है, या फिर पॉजिटिव या नेगेटिव, रेड कैंडल ग्रीन कैंडल वॉट एवर, मिनिमम 5% का मूव होना चाहिए, उस कंडीशन में ये स्टॉक सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, किंग रिसर्च का स्टॉक सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो मिनिमम 5% की कंडीशन, सपोज करो ग्रीन कैंडल इज अ 5% कंडीशन, राइट। अब नेक्स्ट डे कंडीशन हमारी क्या रहेगी, नेक्स्ट डे कंडीशन जब मॉर्निंग में 9:15 पे मार्केट ओपन होगा, तो सेकेंड कंडीशन, मार्केट यहां पे ग्रीन में क्लोज हुआ, प्रीवियस डे यहां ओपन हुआ था, इधर क्लोज हुआ, राइट। नेक्स्ट डे ये गैप अप खुलेगा, किसके, क्लोजिंग के या हाई के, दैट इज अ बिग क्वेश्चन मार्क, सबका यहां पे डाउट रहता है, ध्यान से सुनिएगा, नहीं समझ में आ रहा है दोबारा रिपीट करके सुनिएगा। नेक्स्ट डे यानी कि मंडे को अगर स्टॉक खुलेगा तो गैप अप ओपन होके खुलेगा, और गैप अप ओपन होके खुलने के बाद हाई के गैप अप के ऊपर खुलना चाहिए, जैसे कि आपके सामने इलस्ट्रेशन में है, एग्जांपल दिया हुआ है, हमारा स्टॉक गैप अप खुला, गैप अप खुलने के बाद जैसे स्टॉक कमिंग डाउन 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 डाउन, हमारी एंट्री पॉइंट कहाँ रहेगी,
प्रीवियस डे कैंडल के हाई के पास हमारी एंट्री होगी। तो जैसे ही स्टॉक इसके डाउन जाता है आपको यहाँ पे एंट्री लेनी है। इमीडिएट स्टॉप लॉस क्या लगाएंगे, सेम डे का जो हाई है वो हमारा स्टॉप लॉस लग जाएगा और टारगेट प्रीवियस डे कैंडल यानी कि जो ग्रीन कैंडल है उसका हाई और लो डिवाइड बाय 2 यानी कि 50% जो कैंडल आ जाएगा वो हमारा मिनिमम टारगेट रहता है उल्टा पुल्टा में, अगर आप अच्छे से इसको बैक टेस्ट करके अच्छे से इसको टाइम देके अगर काम करते हो तो। ठीक है, क्लियर। एंट्री कब, फर्स्ट कंडीशन 5% की मूवमेंट होनी चाहिए। सेकेंड कंडीशन, जब नेक्स्ट डे स्टॉक खुलेगा वो गैप अप खुलेगा, अगर ग्रीन है तो गैप अप खुलेगा, अगर रेड 5% का है तो गैप डाउन खुलेगा। किसके, अगर ग्रीन है हाई के ऊपर खुलना चाहिए, रेड है तो लो के नीचे खुलना चाहिए। एंट्री अगर हाई है, हाई के ऊपर खुला है, ग्रीन कैंडल के बाद ऊपर खुला है, नेक्स्ट डे एंट्री आपका हाई पे मिलेगा और टारगेट जो प्रीवियस डे कैंडल का हाई प्लस लो डिवाइड बाय 2, 50% इसका मिनिमम टारगेट होगा। अदरवाइज जो मैं ट्रेड कर रहा हूं, मैं टारगेट ओपन, टारगेट लिया और छोड़ दो उसको 3:15 तक, 3:00 बजे 3:15 तक छोड़ दो, यू विल बी अमेज्ड। टुडे आई एम गोइंग टू शो यू द एक्सेल शीट ऑफ नवंबर परफॉर्मेंस, कि पूरे नवंबर में 1 तारीख से 29 तारीख तक नवंबर में क्या हुआ, क्या रिजल्ट आया, दैट आई एम गोइंग टू शो यू। ठीक है, सिमिलरली ये रेड कैंडल, सपोज करो आज फ्राइडे है, रेड कैंडल बना, ठीक है, तो मंडे को अपना ये स्टॉक सिलेक्शन रडार पे आ जाएगा किंग रिसर्च के। नेक्स्ट डे हम अपने टर्मिनल पे इसके स्टॉक को लगा लेंगे, 9:15 पे जब मार्केट खुलेगा एग्जैक्ट तभी हमें पता चल जाएगा ये गैप अप खुला है गैप डाउन खुला है। अगर रेड कैंडल है और अगले दिन गैप डाउन खुल रहा है और गैप डाउन खुलने के बाद धीरे धीरे कमिंग अप 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 अप, तो एंट्री कहाँ होगी, प्रीवियस डे कैंडल जो रेड था उसके लो के पास हमारी एंट्री हो जाएगी। टारगेट प्रीवियस डे कैंडल का हाई प्लस लो डिवाइड बाय 2, 50% ऑफ दैट पर्टिकुलर कैंडल, वो हमारा टारगेट होगा मिनिमम, अदरवाइज टारगेट ओपन छोड़ दो। थिंक लाइक अ बिग शार्क तभी बड़ा पैसा कमा सकते हो। जाने को जाने दो सर, इसमें 1 रुपए 50 पैसे 10 पैसे का स्टॉप लॉस आता है, इतना कम स्टॉप लॉस और 1 रुपए के सेल में 30 पॉइंट 40 पॉइंट 50 पॉइंट का है, तो इसको बार बार फोकस करो, देखो कैसे काम कर रहा है कंसिस्टेंटली, इसको डेली बेसिस पे मॉर्निंग में लगाओ, 5 मिनट में आपको समझ में आ जाएगा कि क्या है क्या नहीं है। अगर ट्रेड आ रहा है बिंदास करो, स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली फॉलो, मनी मैनेजमेंट यूज कर लेना और पोजिशनिंग, दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन द स्टॉक मार्केट। मे बी यू हैव अ वेरी पावरफुल सेटअप, मे बी यू हैव अ वेरी पावरफुल इंट्राडे स्ट्रैटेजी, बट इफ यू डोंट हैव एनी मनी मैनेजमेंट एंड पोजिशनिंग, sorry guys, you will not earn money from this market, this is not for you, right? वो चीज हम अपनी क्लास में सिखाते हैं और उल्टा पुल्टा से भी एडवांस वर्जन वो मैं अपनी क्लास में देने वाला हूँ उल्टा पुल्टा का, और बहुत सारी क्रोकोडाइल स्ट्रैटेजी, टाइम बॉम्ब स्ट्रैटेजी, क्रूड ऑयल की स्ट्रैटेजी, सो मेनी स्ट्रैटेजी आई एम गोइंग टू टीच इन द क्लास, जो मैं 10 दिसंबर से ऑनलाइन क्लास फॉर 10 डेज के लिए चालू होने वाला है। और जो लोग हैदराबाद के हैं गाइज, and a good opportunity for you, 21st and 22nd of December आप वो बैच ज्वाइन कर सकते हो और क्लास का मजा ले सकते हो, क्योंकि जो मैं आपको सिखाने वाला हूँ वॉरेन बफे जी का जो रूल है, टॉप पे ठोको लो पे बाई करो, सिर्फ मैं वही सिखाता हूँ, इसके अलावा मेरे पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। उल्टा पुल्टा भी इंट्राडे खेल रहा हूँ, इंट्राडे टॉप पे बाई ठोका और लो पे बाई किया, सेम स्ट्रैटेजी मैं सब में देने वाला हूँ, जीरो से लेके एडवांस लेवल तक की कंफर्मेशंस मैं आपको दिखाने वाला हूं, वो भी विदाउट इंडिकेटर, ओनली प्योर प्राइस एक्शन। कैसे पता चलेगा एक दिन पहले कि बड़े प्लेयर्स इस स्टॉक में बैठे हैं या बड़े प्लेयर्स इस स्टॉक को सेल कर रहे हैं बाई कर रहे हैं, अगर हमें एक दिन पहले अगर स्ट्रैटेजी पता चल जाए बड़े ऑपरेटर कहां बैठे हैं, बिग शार्क्स कहां बैठे हैं, तो सर आप उसी दिशा में उसी फ्लो में जा सकते हो और एक मोर और अच्छा मोमेंटम स्टॉक में प्रॉफिट ले सकते हो, बुक कर सकते हो। ठीक है, सो आ जाइए, कम टू द टॉपिक, ये हमारा नॉर्मल है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कल के कुछ एग्जाम्पल, टुडे इज फ्राइडे 6th of December, कल 5 दिसंबर था, कल का मैं कुछ दिखाता हूँ जो टाटा मोटर्स काफ़ी लोगों ने कमाया उसमें, टाटा मोटर टाटा DVR में, आ जाइए बैक टेस्ट कर लेते हैं क्या वाकई में ऐसा काम हुआ। यस गाइज,
देख लीजिए, यहां पे आप जैसे कि देख सकते हैं टाटा मोटर्स का, मैंने ये जो डेट है 5th of December यानी कल का, राइट, कल का, और उससे पहले 4th of December, ये 4th of December प्रॉपर नॉन स्टॉप मूवमेंट स्टॉक नॉन स्टॉप जा रहा था। अब सर ध्यान देना, ये जो स्टॉक है 157 से 170 ऑलमोस्ट 13 पॉइंट का मूव, इट्स नॉट अ जोक। ये आपके और मेरे पास की नहीं है, इसमें कोई बड़ा प्लेयर बैठा है, कोई बड़ा ऑपरेटर बैठा है। हमें क्या करना है, जो 90% लूजिंग स्ट्रेटजी है, जो 90% लोग लॉस कर रहे हैं, जस्ट उसका अपोजिट करना है। आप लोग क्या करोगे, टीवी को देख के बाई करोगे कि भैया कल अच्छा खासा तेजी आई थी, चलो बाई करते हैं। और मैंने क्या किया, 90% केस यही करते हैं, ब्रेकआउट हुआ, वीकली ब्रेकआउट, मंथली ब्रेकआउट, डेली ब्रेकआउट, 15 मिनट्स ब्रेकआउट, 5 मिनट्स ब्रेकआउट, वॉट एवर ब्रेकआउट यू आर टॉकिंग अबाउट, आप उसके ब्रेकआउट पे बाई करते हो और नेक्स्ट डे देखो स्टॉक ब्रेकआउट ही हुआ ना, गैप अप खुला, आपको लगा अरे गैप अप खुला भागो। बहुत सारे लोग ओपन हाई ओपन लो पे काम करते हैं, आई डू एग्री, करो काम, बट थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना दोस्त, अगर ये सेटअप मिल रहा है थोड़ा सा बच जाना, क्योंकि ये इतना पावरफुल है, रिजल्ट आपके सामने अभी दिखाने वाला हूँ, ठीक है। गैप अप खुला, देखो 4 दिसंबर को नॉन स्टॉप तेजी, 5% के ऊपर जो कंडीशन था वो फुलफिल, नेक्स्ट डे हमारा स्टॉक गैप अप खुला, हार्डली 10-15 पैसे से गैप अप खुला, कंडीशन फुलफिल। जैसे ही गैप अप खुला, इसी फर्स्ट कैंडल का आपको 5 मिनट का चार्ट लगा लेना है, 5 मिनट का चार्ट लगाने के बाद इसी फर्स्ट कैंडल के लो के नीचे ठोक देना है, या फिर जैसे ही ओपन हुआ आप वहां पे ठोक दो। अगर बड़ा स्पाइक है, जैसे ही ओपन हुआ तब आप ठोक दो, ठोको मतलब सेल कर दो। और देखो मैंने ऑलमोस्ट यहां पे 170, ये हाई क्या है, प्रीवियस डे का हाई क्या है, 170.30, मैंने 170.30 पे ठोका। गाइस रिजल्ट इन फ्रंट ऑफ यू, 170 से ठोका और इंट्राडे इटसेल्फ वी मेड अ लो 165, 5 पॉइंट का, हार्डली 165 रुपीस के स्टॉक में 5 पॉइंट्स का गेन हुआ है। और मजे की बात, स्टॉप लॉस कितना है, 170 से 172, ओनली 2 रुपीस स्टॉप लॉस एंड 5 रुपए का रिजल्ट आपके सामने आ गया। इसमें मनी मैनेजमेंट और पोजिशनिंग जोड़ देना, यू विल बी अमेज्ड। और देखो आज भी नॉन स्टॉप डाउन ही है, ठीक है। एक और एग्जांपल, टाटा मोटर DVR भाई, ठीक है, 4 दिसंबर को नॉन स्टॉप तेजी, आप खुद देख लीजिए 66-70 के आसपास खुला और 70.70 तक गया, 5% की कंडीशन फुलफिल। नेक्स्ट डे गैप अप ओपन हुआ, 5 दिसंबर को नेक्स्ट डे गैप अप ओपन हुआ और मैंने क्या किया, प्रीवियस डे का जो हाई था 70.70 के आसपास, इसको ठोक दिया और ठोकते ही साथ आपके सामने मेड अ लो 70.70 पे ठोका और 68.50। क्लियर, मजे की बात, स्टॉप लॉस देखिए छोटा सा, आपको एडवांस में पता चल गया मेरा स्टॉप लॉस ये है और ये ओपन छोड़ दिया, देखो कितना प्यारा रिटर्न आया। और आज भी उल्टी गिनती इसकी चालू है, राइट। एक और स्टॉक की हम बात करते हैं, यस बैंक। देखो गाइस अगेन बोल रहा हूं, यस बैंक 3 दिसंबर को, देखो 3 दिसंबर को नॉन स्टॉप गिर रहा था, मतलब पूरी दुनिया सेल कर रही थी, पूरी दुनिया इसको बेच रही थी, सारे बड़े प्लेयर्स बेच रहे थे, क्योंकि 64-65 के लेवल से 58-59 के लेवल पे लाना आपके और मेरे बस का नहीं है, बड़े प्लेयर्स में पार्टिसिपेट करते हैं तब आता है वो स्टॉक नीचे। आया, वॉरेन बफे का रूल क्या है, गिरते हुए स्टॉक को, पैनिक स्टॉक को जब फियर हो तो लालच करो, जब फियर हो मार्केट में डर हो तो बाई करो, वही यूज किया मैंने। गैप डाउन खुला, गैप डाउन खुलने के बाद ये लो था ऑलमोस्ट 59 का, 59 पे मैंने एंट्री ली और 59 से एंट्री लेने के बाद गाइस आप देख लो मेड हाई 63, 4 रुपये चढ़ गया, 4-5 रुपये 4.5 रुपये चढ़ गया स्टॉक। कितने का स्टॉप लॉस, चेक इट आउट फ्रॉम योर एंड। और कितने का रिटर्न, 63 रुपीज़ का स्टॉक है,
4-4.5 रुपए चढ़ गया सर, और क्या लोगे, 8-9% का रिटर्न इन इंट्राडे इटसेल्फ। अगेन बोल रहा हूँ, टेलीग्राम खेलना बंद कर दो, यूट्यूब खेलना बंद कर दो। एक स्ट्रैटेजी जिसको भी फॉलो करते हो, मेरे को नहीं, जिसको भी आप मार्केट में बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर हैं, मेरे से बड़े बड़े प्लेयर हैं, जिसको भी फॉलो करते हो, बैंग ऑन दैट स्ट्रैटेजी और बार बार रिपीटेशन में उसको प्रैक्टिस कर लो, रिजल्ट अपने आप आ जाएगा। और लॉजिक आपको लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये स्ट्रैटेजी भले ही मेरी है किंग रिसर्च की, राइट, मैं अपना दिमाग लगाता हूँ कब कैसा है, मैं कम से कम 3-4 साल से काम कर रहा हूँ, तो ये स्ट्रैटेजी के पूरा माइंड के अंदर छपा पड़ा है मेरे पास। तो आपको बिफोर टेकिंग एनी एग्जीक्यूशन और बिफोर ट्रेडिंग, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, बैक टेस्ट करो। मैं कोई रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ कि इस पे जाओ ये करो, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी बेचे प्लीज मुझे अपडेट करो, उसको बोलना भाई किंग रिसर्च का है ये। तो ध्यान रखना इस चीज का, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दिया है जिससे कि एक रिटेल ट्रेडर को हेल्प हो सके। और इसका और एडवांस वर्जन सीखना है और स्ट्रैटेजी सीखनी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा लिंक दिया हुआ है, क्लास ज्वाइन कर सकते हो आप। आपको ऑलरेडी मेरे स्टूडेंट्स कमा रहे हैं, जो लोग टेलीग्राम में ज्वाइन नहीं है प्लीज़ वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके टेलीग्राम में ज्वाइन कर लीजिए, मोर देन 2500 मेंबर्स उसमें ऑलरेडी ज्वाइन है। स्क्रीनशॉट जो भी लोग कमा रहे हैं फ्री में, वहाँ पे मैं स्क्रीन शेयर करते रहता हूँ। ट्विटर में ऑलमोस्ट 22200 के आसपास हमारे फॉलोअर्स हैं, वो आप ज्वाइन कर लीजिए। मैं इस दो पोर्टल पर बहुत एक्टिव रहता हूँ, ट्विटर एंड टेलीग्राम। एनी डाउट एनी क्वेरी प्लीज़ गिव मी अ पर्सनल टच, प्लीज़ गिव मी अ कॉल और माई व्हाट्सअप नंबर 8468811500। किसी को भी इस स्ट्रैटेजी का डाउट है प्लीज मुझे व्हाट्सअप कर देना गाइस, आई एम रेडी टू हेल्प यू आउट। पैसा कमाओ, बस एक ही दुआ करता हूँ आपसे, एक ही रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाओ। फ्री है सर, आपका कुछ नहीं जाता, जितने ज़्यादा लोगों को पहुँचेगा, किसी की हेल्प होगी, दुआ मिलेगी, वो कितना भी पैसा खर्च कर लो आप नहीं कमा सकते, ठीक है। चलिए आज की स्ट्रैटेजी मैं यहीं पे क्लोज करता हूँ, और ये हमारा टेलीग्राम है टाटा स्टील, राइट, टाटा स्टील कब आया था देख लीजिए, 4 दिसंबर को परफॉर्मेंस फ्यूचर में टाटा स्टील आया था, ऑलमोस्ट 11,320.52 का प्रॉफिट, MFSL आया था 12,000 का प्रॉफिट, अदानी पोर्ट्स आया था उसमें ऑलमोस्ट 25,000 रुपये का प्रॉफिट, REC लिमिटेड आया था 19,500 रुपीज़ का प्रॉफिट, SBI आया था 13,200 रुपए का प्रॉफिट, यूनियन बैंक आई एम गेटिंग 13,300 रुपए नेट प्रॉफिट। दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग, ये दिस इज ओनली ऑन 4th ऑफ दिसंबर इटसेल्फ, फ्यूचर के ट्रेड है, आप खुद जाके बैक टेस्ट करो, देखो कैसे काम कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। अब रह गया इसका स्टॉक सिलेक्शन, गाइस बहुत प्यारा है इसका स्टॉक सिलेक्शन, समझने की कोशिश करना, NSE की वेबसाइट में जाना, NSE इंडिया की वेबसाइट में जाना, वहां पे आपको एक ऑप्शन आएगा टॉप गेनर और टॉप लूजर, क्लियर, एक सेकेंड, ये देखिए नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, देखिए गेनर एंड लूजर कौन से, निफ्टी 50 के, और आप निफ्टी 50 के नहीं, थोड़ा सा और जाना चाहोगे तो नेक्स्ट 50 के, और भी बहुत सारे स्टॉक जो भी आपके फेवरेट हैं लगा लीजिए, 100-200 शेयर जो भी आपके अच्छे हैं, और उसमें देखिए। अब जैसे यस बैंक है, आज का टॉप लूजर 8% यस बैंक है, तो अगर ये मार्केट में क्लोज हो गया तो अगले दिन मैं यस बैंक को लेके बैठ जाऊंगा और उसमें अपना उल्टा पुल्टा अपना स्ट्रैटेजी यूज कर लूंगा, यू विल बी अमेज। अच्छा, अब मैं आपको एक परफॉर्मेंस दिखाना चाहता हूँ, बहुत सारे ट्रॉलर्स हैं गाइस आ जाइए, उनके लिए भी है मेरे पास कुछ। अगेन दिल पे हाथ रख के बोलूंगा सर, अगर अच्छा लगे मेरे लिए नहीं, लाइक करना और शेयर करना, आप जैसे बहुत सारे लोग मार्केट में इधर उधर घूम रहे हैं, लॉस कर रहे हैं, बहुत पैसा नुकसान कर चुके हैं, पैसा कमाना चाहते हैं और आप लोग बहुत मेहनत से पैसा कमाते हैं, वहां तक पहुंच जाए मेरा ये स्ट्रैटेजी, बस ये मैं आपसे दुआ चाहता हूँ सर, ये मैं आपसे प्यार चाहता हूँ, एक ही आपसे रिक्वेस्ट है, ये स्ट्रैटेजी ज़्यादा से ज़्यादा वायरल करो जिससे छोटे से छोटा प्लेयर कमा सके। और ये ऐसी स्ट्रैटेजी है सर, जितना शेयर करोगे ना कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कि स्ट्रैटेजी फ्लॉप हो जाएगी। आई एम यूजिंग फ्रॉम पास्ट 2-3 ईयर्स दिस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी, इवन आई हैव प्रॉपर एल्गो ऑफ दिस स्ट्रैटेजी, प्रॉपर एल्गो के थ्रू मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। चलिए बैक टू द परफॉर्मेंस, 1 नवंबर 2019 से ऑलमोस्ट
22 नवंबर 1 सेकेंड जी। तो मैं बस एक ही चीज आपसे रिक्वेस्ट करूंगा गाइस, इस वीडियो को इतना वायरल करो, इतना वायरल करो, इतने लोगों तक पहुंचा दो जो भी आपके आसपास दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं जो लॉस कर रहे हैं, कि बॉस कुछ मत कर, फ्री ऑफ कॉस्ट स्ट्रैटेजी है, बहुत पावरफुल स्ट्रैटेजी है, खुद बैक टेस्ट करो, वो वहां तक पहुंचा दो। अगर वो दो पैसा कमा लेंगे सर, तो वो ऑटोमेटिकली आप तक पहुंच जाएगी और मेरे तक पहुंच जाएगी। बस यही मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूं। अब आ जाइए इसका परफॉर्मेंस नवंबर मंथ का। देखिए 1 नवंबर 2019 से मैं बात करूंगा 29 नवंबर 2019, यानी कि एक महीने का परफॉर्मेंस। अगर मैं 1% का ऐसा लेता हूं, ओनली 1% का ऐसा लेता हूं और टारगेट भी 1% लेता हूं, तो आई एम गेटिंग 29% रिटर्न इंट्राडे इन अ मंथ इटसेल्फ। जो भी मेरा इन्वेस्टमेंट है उसका 29% का मेरा रिजल्ट आता है। और अगर मैं 1:2.5 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो लेता हूं, तो आई विल बी अमेज्ड एंड यू गाइज विल बी अमेज्ड, 61% का रिजल्ट है इसके अंदर। और अगर आप, जैसे मैंने आपको बताया मिडल ऑफ यस्टरडे स्कैंडल का जो टारगेट होता है उसके बेसिस पे चलता हूं, तो 90% का रिटर्न आता है गाइज, 90% फॉर वन मंथ का रिटर्न है। और अगर टारगेट ओपन, थिंक लाइक अ बिग शार्क, थिंक लाइक अ किंग रिसर्च, बड़ा सोचोगे, बड़ा स्टॉप लॉस लगाए, टारगेट लगाए, छोड़ दो मार्केट, अपने काम में बिजी हो जाओगे, 3 बजे अगर मैं अपने पोजीशन क्लोज करता हूं, आई एम गेटिंग 105.48%, 105% का रिटर्न है मंथली इटसेल्फ गाइस, मंथली इटसेल्फ। और मैं ये सारा प्रोसेस करता हूं एल्गो के थ्रू, सब प्योर एल्गो मेरा चलता है इसके अंदर। वहां से मेरे को मिलता है पोजीशन एग्जीक्यूट, मैं कर देता हूं। तो ये रिजल्ट है, ये परफॉर्मेंस है, आपके सामने परफॉर्मेंस है। ये परफॉर्मेंस का शीट भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप डाउनलोड कर लीजिएगा और खुद देखिएगा, जिस जिसमें ये टारगेट आया, स्टॉप लॉस आया, आप खुद बैक टेस्ट करिए, देखिए कि अब वाकई में आया। अब देखो इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस 29 तारीख को 15% का रिटर्न दे गया इंट्राडे, 15%। हम लोग सपने में भी नहीं सोच सकते 15% का, 1 या 2% लेते हो आप खुश हो जाते हो, यहाँ 15% की बात कर रहा हूँ। और देखो लॉस पोजिशनिंग के हिसाब से, मनी मैनेजमेंट के हिसाब से 1% से ज्यादा लॉस किसी में नहीं है मेरा, ओनली 1111, आई एम रेडी टू गिव 1% लॉस। लेकिन सर अगर एक ही कॉल में 15% आ जाए, और देखिए एक ही कॉल में 12% आ जाए, इंडसइंड बैंक है क्या ये, नहीं, डिश टीवी में एक ही 12% एक ही दिन में आ जाए, ठीक है। और देखिए यस बैंक में 6%, और देखिए जिंदल स्टील में 7%, 4%, बाकी छोटे मोटे 2-3-4 तो चल ही रहा है, चल ही रहा है, चलने दो। स्टॉप लॉस आप खुद देख लीजिए कितने लगे हैं, और ये इतना पावरफुल है। अगेन बोल रहा हूँ गाइस, बिलीव मी, खुद बैक टेस्ट करो, किसी की मत सुनो, खुद देखो, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, किसी को टिप्स देने का जरूरत नहीं है, खुद पैसा बना सकते हो। और ये स्ट्रैटेजी मॉर्निंग में हार्डली 5 से 10 मिनट के अंदर आपको पता चल जाएगा क्या करना है क्या नहीं करना, 5 से 10 मिनट में आपका पैसा ही बन जाएगा। पैसा बनाओ, घर जाओ, फैमिली को टाइम दो, मॉम डैड को टाइम दो, उनकी सेवा करो, वाइफ को टाइम दो, बच्चों को टाइम दो, पेट्स को टाइम दो, वॉचमैन को टाइम दो, जहां आपके पास थोड़ा सा भी टाइम बचे प्लीज टाइम दो सर, क्योंकि आजकल मोबाइल के चक्कर में सब हम खत्म कर दिए अपनी लाइफ को, टेंशन हो गई है, बीपी बढ़ गए हैं, शुगर हो गया, सब कुछ हो गया, कोई फायदा नहीं है सर लाइफ। पैसा कमा रहे हो किस लिए, अपनी अच्छी हेल्थ के लिए, राइट, एक रिलेशनशिप क्रिएट करो अपनी फैमिली से। तो ये एक मेरा छोटा सा मैसेज आप लोग के लिए, मैं हर वीडियो में डालता हूँ। थैंक यू सो मच गाइस। मैं 2 दिन की छुट्टी में हूँ, मैं अभी इंदौर जा रहा हूँ सर, है ना, तो आज मैं इंदौर निकल रहा हूँ, 2 बजे की मेरी फ्लाइट, 2 बजे मेरे को निकलना है यहाँ से, 4 बजे की मेरी फ्लाइट है, और मंडे को होपफुली मैं छुट्टी पे रहूँगा, तो मंडे तक कोई काम नहीं करूँगा। ट्यूसडे से हम लोग लाइव आएंगे मार्केट में, तो कुछ नए परफॉर्मेंस के साथ आएंगे, टिल देन टच में रहिए। और हाँ, अगर आप पैसा कमा रहे हैं प्लीज़ मेरे को मेरे व्हाट्सएप नंबर पे पिंग करिए, अपना स्क्रीनशॉट भेजिए, जिस स्क्रीनशॉट को ट्विटर पे जाके भी शेयर करिए, लोगों को बताइए देखो बॉस इनकी स्ट्रेटेजी में खुद पैसा कमा रहा हूँ, जिससे और लोगों को मोटिवेट हो सके और हेल्प हो सके। और अगेन थैंक यू सो मच गाइस, मैं आपसे अलविदा लेना चाहता हूँ। बहुत ही जल्दी एक बैंक निफ्टी की पावरफुल स्ट्रेटेजी मैं आपको देने वाला हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, तब तक
आपसे विदा लेना चाहूँगा। इस पैसे को कमाइए, दुआ दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करिए। चलिए, थैंक यू सो मच, हैप्पी ट्रेडिंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड ऑल्सो प्रेस दिस बेल आइकॉन सो यू नेवर मिस एनी न्यू अपडेट्स, कॉज व्हेनेवर वी अपलोड न्यू वीडियो यू विल गेट अ नोटिफिकेशन ऑन योर फोन।